सुने गौर से, खान साहब आए जब वो हेलीकॉप्टर पे ऊपर चक्कर लगा रहे थे, तो मैंने कहा जब वो आए तो उनको प्लीज मना कर दीजिए साइफर का जिक्र ना करें वो। लेकिन जाहिर है वो उन लोगों ने क्यों करना था मना, वो तो बाद में पता ही चल गया उनके एम्बिशन और जो भी उनकी चीजें थी। लेकिन वो जिस तरह पीछे लगे थे और बार बार हर बंदे ने यही कहा कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, साइफर एक्चुअल साइफर जो है वो वजीर खारजा की ऑफिस में है, राना सफनाउल्लाह तक ने ये बात की, लेकिन बहरहाल इन्होंने तो पकड़ना था। आप देख लें आप लेकिन ये जो आप तो नुसरत भाई साहब ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उस वक्त भी आपने कहा था कि इसको ना लहराया जाए और उसके मुजम्बरात का ज़ाहिर इल्म होगा आपको कि ये ज़ाहिर सियासी मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत भुट्टो के साथ हुआ था ना, भुट्टो ने जो राज बाजार में खत लहराया था और कहा था कि ये सफेद हाथियों ने मुझे भेजा है, जी जी हनरी किसिंजर ने, देख लिया आपके क्या उसका हशर हुआ इंसान का। तो एक्सपेक्टेशन तो ये शुरू से थी कि ये लोग जिस तरह के हैं इन्होंने ये करना है। अब जज साहब के खिलाफ खान साहब ने इशारा मुझे कितनी दफा का, हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, आप इस केस से अलग हो जाए, लेकिन वो तो जाहिर है जिस मिशन के लिए आए थे उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है और इंशाल्लाह वही करेगा जो कुछ भी होगा। इलेक्शन में हम लोग उसी तरह हिस्सा लेंगे जैसा कि हमने हमें लेने का हुक्म है और पुरमन रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो, जो, जो गलतियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं जाहिर है उसको तस्लीम कर रहे हैं आप लोग, साइफर नहीं लहराया जाना चाहिए था, 9 मई नहीं होना चाहिए था, ये तमाम जाहिर है गलतियां तो की गई हैं। देखिए 9 मई हम लोगों ने नहीं किया, ये मैं बार बार ये बात करती हूँ, बाकी भी सबको पता है कि 9 मई हमने नहीं किया। डॉक्टर यास्मीन की आप देख ले वीडियो और ऑडियो सब कुछ, क्यों बार बार मना करें घर के अंदर नहीं जाना, घर के अंदर नहीं जाना। वो ऐसी कौन सी जगह थी जिसके ऊपर कोई चेक पोस्ट नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, जमान पाक से वहां तक पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं और किसी ने उन्हें रास्ते में नहीं रोका। और उनसे पहले से जब वो वहां पे पहुंचे हैं तो उस घर को आग लग चुकी थी, गाड़ियां टूट चुकी थी और वहां तो कौन लोग थे, जाहिर है ये खास तौर पर जो हमारे शहदा हैं उनकी यादगार नुकसान पहुंचाया गया। बताएंगी ये तो यही लोग बताएंगे कि वो कौन लोग थे, लेकिन वो पीटीआई के नहीं थे, डेफिनेटली पीटीआई के नहीं थे। पिछले 27 साल से खान साहब जो एक बात कर रहे हैं कि पुरमन पुरमन पुरमन, आपने देखा लाखों का मजमा इकट्ठा होता था, लेकिन उसके बावजूद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गमला तक टूटा हो। ये तो 25 मई के बाद से जो इन लोगों ने तोड़ना फोड़ना शुरू किया, मारना पीटना शुरू किया, गैस टैंकी पता नहीं क्या क्या कुछ, उससे लोग जाहिर है जख्मी भी हुए और डिसहार्टन भी हुए, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि डी चौक पे आने का था इरादा। लेकिन जब पता चला कि इनका कोई इस किस्म की प्लान है कि ये कोई तो आपने समझती है गैर जमहूरी, तमाम गैर जमहूरी रवैये रहे आपके, अदम एतमाद बाद असेंबली में बैठना चाहिए था आप लोगों को, आप पोजीशन कर सकते थे, आप लोग वहां सवाल उठाए जा सकते थे। चाहिए 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 तो सब कुछ होता है, लेकिन ऑन द स्पॉट जो डिसीजन खान साहब ने लिया था वो बेहतर लग रहा था इस हिसाब से कि हम चले जाएंगे तो जाहिर है प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन यहाँ तो प्लान कुछ और बन रहा था ना, यहाँ उस तरह स्मूथ पॉलिटिक्स नहीं चलाई जा रही थी। मतलब चाहिए पे तो खैर दुनिया ही कायम है, चाहिए ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब ने जो फैसला लिया था, मेरा ख्याल ये है कि वो बहुत सही फैसला था उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि अचानक एक इतनी बड़ी जमात को जो कि बेतहा वोट से और सीटों से आई हुई है उसको इस तरह उनके खिलाफ एक पूरी स्कीम बनाई जाए और उनको निकाल दिया जाए, और बिल्कुल कुछ ही दिन पहले जो ये साइफर आया था उसमें ये तो बाकायदगी से था ना कि आप इसको हटाएंगे तो आपको इनाम मिलेगा, और अब इनाम मिल गया ना। 14 अरब रुपए की जो केसेस थे जो एक दिन बाद उसके ऊपर वो होना था, इनके ऊपर मुकदमा फाइनल होना था, सजा सुनाई जानी थी, तो वो एक दिन पहले वो बन गया है वजीर आजम। उसके बाद कौन देखता है और कौन कुछ करता है, वो तो सब खत्म, सारे केसेस खत्म हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई। आपने देखा वो जो शाह साहब आया है लंदन से, उन्होंने क्या उनके लिए एयरपोर्ट पे पहुंच गए जी उनके काम लेने के लिए साइड, और उसके अलावा जिस जिस तरह उनको किया गया है। तो आपकी पार्टी देखिए उसके बाद से हमने ये भी देखा कि आपकी पार्टी के तो सारे लोग सूखे पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए, जहां हवा चली कोई आईपीपी में चला गया, कोई नून लीग में चला गया, कोई किसी और पार्टी में शामिल हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं ये समझती हूँ कि एक तो यानी ये वो लोग थे सारे जो वजीर रहे मुशीर रहे जिन्होंने जाहिर है पार्टी से फायदे उठाए, और जैसी हुकूमत खत्म हुई खान साहब की ये सब जो है दूसरी पार्टीज में चले गए। इनको अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है,
ये इधर से भागे उधर चले गए, उधर से भागे उधर, यहाँ पे थे तो पूरा खान साहब को हर वक्त ये यकीन दिलाया जाता था कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, बल्कि किसी और को खान साहब के नजदीक पटकने नहीं दिया जाता था। ये जो 5-6 लोग या 8 लोग थे, इन्होंने जैसे पिंजरा डालते हैं ना मुर्गे के ऊपर, इस तरह इनका पूरा ग्रिप था। आप देख रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं तो उनके साथ बैठे हैं, वो उनको जलसे में लेके जा रहे हैं तो उनके साथ बैठे हैं, कोई बातचीत मीटिंग हो रही है तो उनके साथ बैठे। तो ये लोगों की पूरी प्लानिंग थी, ये आज से नहीं, ये तबाह करने के लिए शुरू से आए हुए थे। अब खान साहब जैसा बंदा जो करप्शन के बेइंतहा खिलाफ, और उसने खास तौर पे इस तरह के लोगों को एतमाद करके लिया था कि ये करप्शन नहीं करेंगे, लेकिन क्या बड़ी बड़ी करप्शन हुई है। लेकिन अब वो चूंकि सारे IPP में चले गए हैं, कोई इधर कोई उधर, तो वो धुल गए सारा, उनके ऊपर तो कोई ये बात आप तस्लीम कर रही है ना, आपकी पार्टी के जो लोग थे करप्शन में मुलव्वस रहे, ठीक है उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, लेकिन ये गलत काम तो हुए आपकी हुकूमत में होते हुए। बिल्कुल, लेकिन हमारी हुकूमत में होते हुए आप इस तरह इल्जाम नहीं दे सकते कि उनको आशीर्वाद हासिल था खान साहब का कि जी आप, खान साहब पूछते नहीं थे, कोई जो भी कर रहा था तो उनको करने दिया गया, नहीं उन तक पहुंचने ही नहीं देते थे। आपको मैं बताऊं आज मतलब इतना बेखबर वजीर आजम था तो फिर तो आदम एतमाद आनी थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, बेखबर वजीर आजम 3-3.5 साल की पहली दफा हुकूमत थी। आप मेरी बात तब सुन लें, अगर काटेंगे तो फिर मैं बंद कर दूंगी। 3.5 साल की हुकूमत थी जिसमें उन फौरन आते साथ ही कोरोना का वो हो गया, इकोनॉमी कहाँ पे पहुंची हुई थी, उसके बावजूद हम लोग किस तरह 6.5 पे लेके गए, जबकि इंडिया -7 पे पहुंच गया था और अमेरिका -16 पे पहुंचा हुआ था, 13 पे। तो उसके बावजूद हमने इस तरह अपनी इकोनॉमी को अच्छा किया, फैसलाबाद की तमाम जो फैक्ट्रियां हैं वो काम कर रही हैं, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद बेखबर की बात नहीं है। वहां पे तो ये किस्सा था कि खान साहब आप ये देख लें कि पहली स्पीच उनको नहीं करने दी गई, उनके साथ तो ये हिसाब था, एक मुहावरा है ना, आटा गूंथते हिलती क्यों हो, कि वो कुछ कर ले ये सारे खड़े होकर क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाते थे। कितना 2 रुपए 4 रुपए किसी चीज में कीमत बढ़ गई तो इतना तूफान मच जाता था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब कहाँ से कहाँ चला गया, सारा मीडिया पे बैठा हुआ है, जाहिर 10 अरब रुपया खिलाया है पूरा मीडिया को, तो वो तो नहीं बोलेगा। देखिए ये तो बगैर शवाहिद के इल्जाम होते ना कि फलां को 10 लाख, ये तो अब आप जो कह रहे हैं वो भी बगैर शवाहिद के हैं, उनके ऊपर भी कोई केस नहीं चला, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब तो सजा हो गई ना, खान साहब को केस चला है, सजा हो गई शवाहिद की रोशनी में। जी शवाहिद आपको पता ही है ना किस तरह हुए, उनके वकीलों को गन पॉइंट पे बाहर निकाल के फेंका है, और अपने ही वकील सरकारी वकील ही उनके उनका भी केस लड़ा है। आपके वकील जब अंदर आएंगे नहीं तो फिर सरकार तो ये करेगी ना कि आपको वकील फराम कर दे, आपके वकील आने को तैयार नहीं। क्यों नहीं आने को तैयार, बाहर 2-2 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करते रहे। आपको पता है ये जो दूसरे वाला क्या है, ये घड़ी वाला केस, उसपे किस आदमी से उन्होंने करवाया, इंडिया का एक बंदा है जो मैट्रिक पास है और पिछले 3 साल से वो IPA करने की कोशिश कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। तस्वीर देख के उसने 1 करोड़ की चीज को 300 करोड़ की कीमत बना के बता दी इनको, और उससे अभी पूछा तो कहता है नहीं वो तो हम देख के रियल देख के बताते हैं, तो उसे कहा इसको क्यों नहीं रियल देख के बताया आपने। अच्छा तोशाखाना में आपके वकील बैरिस्टर गौर साहब हो, अली जफर साहब हो, तमाम लोग रोजाना पहुंच जाते हैं, लेकिन इस केस में आपके वकला गैर हाजिर रहे। देखें मैं आपको बता रही हूँ, कल जो नहीं आए थे वकील, वो उनके दांत का ऑपरेशन था लाहौर में, उसके बावजूद उनको कहा गया कि अगर आप अभी इमिडिएटली चाहते हैं तो हम उन्हें कह देते हैं 4 घंटे पहुंच जाएंगे, हालांकि अदालत रात के 2 बजे तक लगी रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो अपने वकील अपने गवाह अपने सारे, कोई भी नहीं था जो हमारी तरफ से बात कर सकता, क्योंकि हलीमा खान बता रही है ना कि किस किस तरह प्लान करके उनको फंसाया गया। कोई बात नहीं, अल्लाह फिर भी हम कहते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है, इलेक्शन हो जाए आराम से और फिर चीजें ठीक हो जाएंगी अल्लाह चाहेगा तो। अच्छा इसका आपको यकीन है, ये कहीं से कोई यकीन दहानी कराई गई इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा? नहीं ये यकीन है अल्लाह पे, अल्लाह पे यकीन है जी आपको, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नुसरत भाई साहब, रहनुमा PTI हमसे बात कर रही थी, वो कि इस बात को उन्होंने तस्लीम किया कि गलतियां हुई हैं, उनके कायदे से गलतियां हुई हैं, अपने मौजूद थे उनकी पार्टी में, इन्होंने करप्शन की भी आज वो तस्लीम कर रही हैं कि हमारी पार्टी के लोग थे जो करप्शन कर रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म यानी उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे खान साहब, उन तक ये बात नहीं पहुँचती थी, जिसमें उन्होंने कहा भी कितने बेखबर थे अगर, तो बड़ी बात है कि